वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है कुछ न्यू फॉर यू। मेरा नाम है राहुल। फ्रेंड्स, आज हम जिस वीडियो के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो एक बहुत सीरियस टॉपिक है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अमेज़न के बारे में। अगर आप अमेज़न पर कुछ हद तक, अगर आप अमेज़न पे अपना सामान रिटर्न करते हो, वापस करते हो खरीदा हुआ सामान, तो अमेज़न आपको लाइफ टाइम के लिए बैन कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सच है। अमेज़न एक नई पॉलिसी लेके आया है जिसपे उसने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। पिछले दिनों अमेज़न के कई ई कॉमर्स वेबसाइट यानी अमेज़न के बहुत सारे ग्राहकों को एक ईमेल मिला है पिछले दिनों, कि उस ईमेल में ये बता के उन्हें बैन किया गया है कि आपने मतलब एक लिमिट तक सामान रिटर्न किया है। उस ईमेल में बताया गया और उनको बैन कर दिया गया है। तो जहां अमेज़न एक अच्छे अच्छे ऑफर्स और अच्छी अच्छी डील्स भी देता है, वहीं अब अमेज़न एक नई पॉलिसी लेके आया है कि अगर ग्राहक उसका सामान हद से ज्यादा या एक लिमिट, ये भी कुछ वो नहीं है कि कितनी लिमिट को ज्यादा माना जाएगा, मतलब एक ग्राहक कितना सामान अगर वापस करता है तो उसको बैन कर दिया जाएगा। तो अगर आप Amazon पे रिटर्न सामान ज्यादा करते हैं तो Amazon आपको लाइफ टाइम के लिए बैन कर सकता है। ये Amazon की एक नई पॉलिसी आई है। तो पहले तो Amazon ने अपनी एक रिटर्न पॉलिसी नहीं शुरू की थी कि जिसमें अगर सामान की डिलीवरी होने के 30 दिन के बाद वो अपना, अगर सामान आपका डिफेक्टिव निकला है, आप उस सामान से खुश नहीं है, तो अमेज़न बिना कोई सवाल जवाब के वो सामान वापिस ले लेता था। लेकिन अब अगर आप सामान वापिस करते रहेंगे, बार बार करेंगे, तो आपको वो बैन ही कर देगा हमेशा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट निकल गई है अमेज़न की तरफ से। तो एक बहुत गहरा असर भी पड़ सकता है अमेज़न पे अगर वो ऐसे ही अपने कस्टमर्स को बैन करता रहेगा सामान वापस करने के लिए। तो कस्टमर्स की संख्या भी, नंबर ऑफ कस्टमर्स भी अमेज़न के कम हो सकते हैं। तो जहां तक अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में निकल जा रहा है कि अगर आप 10% प्रोडक्ट वापस लौटाते हैं अमेज़न को, तो आपको बैन किया जा सकता है। जरा सोचिए, सिंपल सी बात है, अगर आप एक जोड़ी हेडफोन आपने खरीदा है अमेज़न से, वो आपको पसंद नहीं आया, वो डिफेक्टिव पीस है, और आप उसे वापस कर रहे हैं अमेज़न को, जरा सोचिए। और अमेज़न आपको वापस हेडफोन वापस करने के बाद अमेज़न आपको बैन कर देता है, तो आपको कैसा फील होगा? तो मेरे ख्याल से अमेज़न को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि कस्टमर्स की फीलिंग, कस्टमर्स का ध्यान रखना चाहिए अमेज़न को। कौन इतना प्रोडक्ट वापस करता होगा? कोई वेला ही बंदा होगा जो, नहीं तो किसके पास इतना टाइम होता है वापस करने का? कोई करता भी है तो मेरे ख्याल से बैन करना ये ठीक नहीं है। तो आई होप आपको ये बात अब समझ आ गई होगी कि अमेज़न की नई पॉलिसी आई है जिसमें अमेज़न बता रहा है कि अगर आप उसका सामान रिटर्न करते हो ज्यादा, तो आपको लाइफ टाइम के लिए बैन कर देगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि सबको पता चल जाए कि अमेज़न अब ये नई पॉलिसी के तहत ये कदम उठाने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।